नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, डिप्टी मैनेजर समेत चार व्यक्ति हसदेव नदी में बहे। जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हुआ है। घटना जांजगीर सिटी कोतवाली क्षेत्र के बिरगहनी गाँव के हसदेव घाट की है, जहाँ दुर्गा विसर्जन के दौरान संजय बोंद्रे की मौत हो गई। मृतक प्रकाश इंडस्ट्रीज में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत था। गौरतलब है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान कुल चार लोग बह गए थे, जिनमें से किसी तरह तीन लोगों को बचा लिया गया। इस घटना के दौरान पुलिस तैनात नहीं थी। जब विसर्जन में दुर्घटना हो गई तब जाकर पुलिस अलर्ट हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि घटना स्थल पर पुलिस व बचाव दल मौजूद होते तो दुर्घटना नहीं होती। गौरतलब है कि बिरगहनी के हसदेव घाट में बुधवार को दुर्गा विसर्जन हो रहा था, लेकिन पुलिस मुस्तैद नहीं थी और ना ही सुरक्षा दल तैनात था। इस बीच दुर्गा विसर्जन के वक्त PIL के डिप्टी मैनेजर की हसदेव नदी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद तमाम सवाल उठने लगे। बाद में जब पुलिस को घटना की जानकारी हुई, इसके बाद बचाव दल को मौके पर भेजा गया। घटना के बाद पुलिस अलर्ट हुई। लोगों का कहना है कि पुलिस पहले गंभीरता दिखाती और हसदेव घाट पर बचाव दल तैनात नहीं रहता तो घटना नहीं होती। दुर्गा विसर्जन के वक्त PIL के डिप्टी मैनेजर की हसदेव नदी में डूबने से मौत होने के बाद प्रशासन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।